तो so, देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एकदम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दिया है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 0.5 मिलीमीटर इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज 2 मिलीमीटर स्क्वायर द फोर्स रिक्वायर्ड इज हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और यहाँ वाई फॉर स्टील वाई यानी कि वाई का मतलब यंग यंग्स मॉड्यूल होता है या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है वाई फॉर आपको ध्यान में रखना है वाई फॉर यंग्स मॉडुलस सो वाई फॉर स्टील दिया है तो वाई का हम आप पहले फॉर्मूला लिख देते हैं Y इज इक्वल टू बोलिए यफ यल अपॉन ए डेल्टा यल दैट इज यफ बाई ए क्या हो गया आपका स्ट्रेस अपॉन यल बायल करना है हमें दैट इज स्ट्रेन तो नीचे का यल ये ऊपर जाएगा तो y का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए यफ यल अपॉन ए यल आपको नोटेशन से भी पता है तो फोर्स निकालना है हमें तो यफ इजिकल टू लिख सकते हैं हम वाई ए यल अपॉन कैपिटल यल वाई की वैल्यू अभी सभी वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे और कैलकुलेशन करना है बाकी प्रॉब्लम एकदम आसान है एरिया को टू मीटर मिलीमीटर स्क्वेयर को हमने क्या लिखना चाहिए टू मिलीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर टेंडरस टू क्या आएगा माइनस सिक्स और स्मॉल यीरो पॉइंट फाइव दिया है इन टू टेन रेस टू क्या लिखेंगे मिलीमीटर को माइनस थ्री अपॉन टू तो ये टू टू क्या हो जाएगा कैंसल जीरो पॉइंट फाइव यानी वन बाई टू इधर वन पॉइंट वन आ जाएगा और इसकी जब हम सम करेंगे पावर की इलेवन माइनस नाइन टू टेन रेस टू टू इधर फोर फोर्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन इन टू टेन रेस टू टू न्यूटन ठीक है यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है या स्ट्रेन कैलकुलेट करना है चलिए वो भी करके देखते हैं स्ट्रेस या स्ट्रेन कैलकुलेट अगर करना है पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या करते हैं स्ट्रेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम स्ट्रेस की डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया फोर्स की वैल्यू अब आ चुकी है कितनी है वन पॉइंट वन इंटू रेस टू टू है और एरिया एरिया को क्या लिखेंगे हम टू मिलीमीटर स्क्वायर को लिए टेनड्रेस टू माइनस सिक्स कर रहे हैं हम तो ये क्या आ जाएगा अगर वन पॉइंट वन को टू ने डिवाइड किया कर दिया हमने तो जीरो पॉइंट फाइव फाइव आ जाएगा ये और यहाँ पे टेंस टू एट माइनस सिक्स ऊपर जाके एट देयर फोर स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव इंटू टू एट और इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस इज इक्वल सॉरी स्ट्रेस तो कैलकुलेट कर दिया हमने अगर आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है देखिए बच्चे यहाँ कौन सा स्ट्रेन निकालना है हमें वायर है यहाँ पे तो लॉन्जिटनल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज स्मॉल एल भी लिखते हैं हमें इसे सिर्फ तो चेंज इन लेंथ कितना इंक्रीज इन लेंथ क्या हो गया है जीरो पॉइंट फाइव एम एम यानी कि टेंडर टू माइनस थ्री अपॉन एरिया क्या है टू इंटू टेंट टू माइनस सिक्स तो इसके क्या क्या कर देंगे आप जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ए प्लस हो गया टेन रेस टू थ्री और इसका यूनिट क्या आएगा स्ट्रेन का स्ट्रेन इज अ रिमेंबर दैट यूनिट लेस अ क्वान्टिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वान्टिटीज ठीक है तो स्ट्रेस स्ट्रेन एंड फोर्स हमने इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर दिया है चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए क्वेश्चन है टू वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल देखिए सेम मटेरियल दिया है यहाँ पे देयर एक्सटेंशंस आर सेम एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द रेशो ऑफ वन एस टू थ्री एंड वॉल्यूम इज सेम रेशो ऑफ वॉल्यूम क्या दिया है वन एस टू वन सो हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ फोर्स फॉर दिस एक्सटेंशन देखिए हमें फोर्स का रेशो निकालना है पहली बात यहां पे एक्सटेंशन यह वायर में है तो हम यंग्स मॉडल वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल यहाँ चेंज इन लेंथ है यहाँ ओरिजिनल लेंथ है अगर हमको सेम मटेरियल दिया है पहले आप फोर्स के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं वाई एल अपॉन कैपिटल एल अगर आपको सेम मटेरियल दिया है तो इसका मतलब आपको वाई वन इज इक्वल टू वाई टू रिमेंबर दैट वाई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यंग्स सब है जो भी आपको इलास्टिसिटी मॉड्यूलर है वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए सेम रहेंगे सो वाई वन इज इक्वल टू वाई टू लिया फिर एक्सटेंशन सेम दिया है तो यल वन इज इक्वल टू टू लेंगे हम then their cross sections are in the ratio of वन is to थ्री therefore फोर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू क्या लेंगे हम वन एस टू वन बाई थ्री एंड वॉल्यूम्स yahan सेम देखिए यहाँ वॉल्यूम्स same volumes दिया गया है तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर आपको सेम दिया गया है एंड एरिया का रेशो दिया गया है तो इससे आप क्या निकालेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ रहेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इन टू लेंथ अगर आपको वॉल्यूम सेम दिया गया है वॉल्यूम अगर सेम दिया गया है तो V1 वन इज इक्वल टू वी टू यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं A1 L1 वन इज इक्वल टू ए टू टू and from this we can as a1 by a2 is equal to l2 by l1 समझ में आ रहा है हमें लेंथ के बारे में यहाँ प्रॉब्लम में कुछ भी बताया नहीं है यहाँ वॉल्यूम बताया गया है इस फॉर्मूले में वॉल्यूम आपको दिख रहा है क्या नहीं तो वॉल्यूम हमने सेम रखा अगर एरिया का रेशो हमें पता है तो इससे हम L2 टू बाई का पता रेशो कर सकते हैं L2 टू बाई इक्वल टू ए वन बाई ए टू और ए वन बाई ए टू क्या है इसकी वैल्यू वन बाई थ्री सो नाउ वी कैन राइट F1 वन अपॉन एफ अगर y सेम है तो y तो कैंसिल हो जाएगा एरिया A1 वन बाय ए आएगा देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं और एक्सटेंशन सेम है देर फोर यल वन इज इक्वल टू यल टू ए यल कैंसिल हो जाएगा सो ए वन अपॉन ए टू इन टू यल टू अपॉन यल वन बिकॉज फोर्स इज इनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और हमें ये दोनों रेशियो मालूम है ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू वन बाय थ्री एंड यल टू बाय एल वन टू अगेन वन बाय थ्री देयर फोर रेशियो ऑफ देयर फोर्सेज रिक्वायर्ड एज वन एज टू नाइन एक बार आप रिपीट देख सकते हैं प्रॉब्लम अगर फास्ट हो रहा है तो लेकिन जो बच्चे रिवन कर रहे हैं इस चैप्टर का एकदम आसान प्रॉब्लम है सिर्फ यहां वॉल्यूम से हमने लेंथ का रेशियो निकाला है और फॉर्मूला यूज किया है यंग्स मॉडुलस का या फेल अपॉन ए इंटू स्मॉल ठीक है देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वेन द लेंथ ऑफ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया टेंडर टू माइनस सिक्स मीटर स्क्वेयर इज स्ट्रेस्ड बाई जीरो पॉइंट वन परसेंट टेंशन इन द वायर इज हंड्रेड न्यूटन दिया है हमें तो वाई की वैल्यू फाइन करना है अगर आपको वाई का फॉर्मूला पता है तो पहले लिख दीजिए वाई इज इक्वल टू यफ इन टू कैपिटल यल है या स्मॉल यल है बोलिए यफ यल अपॉन ए यल राइट हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है टेंशन इन वायर दैट इज वैल्यू ऑफ फोर्स इज ऑल्सो गिवन एंड दिस वैल्यू इज गिवन बाय जीरो वायर इज स्ट्रेच बाय जीरो परसेंट इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों जीरो पॉइंट वन परसेंट से वायर स्ट्रेच हो गई है यानी कि परसेंटेज हम कैसा निकाल सकते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल इन टू हंड्रेड ए होगा हमारा परसेंटेज चेंज और ये परसेंटेज स्ट्रेचिंग कितनी दी है जीरो पॉइंट वन परसेंट दैट इज अ चेंज यानी कि हमारा स्मॉल यल ओरिजिनल यानी कि हमारा कैपिटल यल इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन और वी कैन राइट यल बाय अगर उस तरफ जाएगा तो जीरो पॉइंट वन इन टू टेंडरेज टू माइनस टू और यू कैन राइट डायरेक्टली टेंडरेज टू माइनस थ्री सो so, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो दो स्टेट में इसका आंसर आ जाएगा यफ का है हंड्रेड न्यूटन वैल्यू यल दैट इज ओरिजिनल लेंथ अपॉन इसका डायरेक्ट रेशियो दिया गया है लेकिन ये रेशियो देखिए स्मॉल यल अपॉन यल है टेंडर टू माइनस थ्री सो यह एक की वैल्यू एरिया का टेंड टू माइनस सिक्स लिखेंगे यहाँ पे और ये वैल्यू हमें टेंडर टू माइनस थ्री दी गई है तो इसका आप टेनरेज टू के पावर का आप सम कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं टेनरेज टू कितना आएगा टेन रेज टू एलेवन क्योंकि ए माइनस सिक्स माइनस थ्री नाइन और ये दो इलेवन हो जाएगी ए माइनस ऊपर जाके क्या होगा प्लस माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन हो गया और ऊपर ये दो टेन रेज टू एलेवन एंग्स मॉडल की वैल्यू आ गई ठीक है देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट थ्री थाउजेंड मीटर फाइंड द फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ द ओशियन एंड बल्क मॉडल ऑफ वाटर इज गिवन पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और कौन सी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट और फाइंड करनी है अगर यहाँ इंडियन ओशियन की डेप्थ दे गई है थ्री थाउजेंड मीटर यहां आपका ये यह वाटर है और थ्री थाउजेंड मीटर के नीचे यहां जो है तो आपको यहां परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है यहाँ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आपको अगर वाटर का बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता है बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या है डेल्टा पी या हम डायरेक्ट पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ बच्चों हम डेल्टा माइनस लिखते हैं लेकिन आपको माइनस किस लिए लिखना है वहाँ कि डेल्टा वी हमें नेगेटिव आप जब लेंगे तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ माइनस लिखना है अगर आप डेल्टा वी पॉजिटिव रखते हो तो वहाँ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज चेंज हमेशा चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू हंड्रेड रहता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू हंड्रेड अगर हम ए कैल वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू हंड्रेड अगर डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ हम या इस साइड ले, लेते हैं तो क्या होगा पी अपॉन के और ये हमने हंड्रेड यहाँ एक्स्ट्रा लगाया है तो यहाँ भी हम हंड्रेड एक्स्ट्रा लगाएंगे देखिए मैंने क्या किया है के इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी दैट इज बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन वॉल्यूमिक स्ट्रेन अगर हमें स्ट्रेन यहाँ लेके आएंगे तो पी बाय के की वैल्यू हो जाएगी अगर हमने दोनों साइड पे क्या कर दिया है मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड देखिए डेल्टा वी बाय वी क्या आएगा पी बाय के आएगा, आएगा यहाँ से तो इन टू हंड्रेड हमें ऑन बोथ साइड किया है और ये परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कैसे दी गई यहाँ इसकी वैल्यू केक की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है आप प्रेशर कितना लेंगे यहाँ बॉटम में प्रेशर कितना होगा अगर आपको फ्लूड मैकेनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज है तो यहाँ पे प्रेशर होगा यच रो जी क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर रहेगा और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ता है और कि, कितना बढ़ता है अगर हाइट यच है तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर होगा पी नॉट प्लस यच रो जी एच इज एयर एंड रो इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी इज अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम यहाँ रफली पी की वैल्यू हमें चेंज इन प्रेशर क्या लिखना है ये पी नॉट पी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा यच रो जी अपॉन के इन टू हंड्रेड की वैल्यू हमें दी है थ्री थाउजेंड मीटर इंटू रो हम वाटर के लिए वन थाउजेंड लेंगे जे की वैल्यू आप टेन रख सकते हैं और यहाँ के की वैल्यू क्या है के की वैल्यू टू पॉइंट टू इंटू टेन रिश टू माइनस नाइन है अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर यहाँ टेन रिश टू माइनस नाइन आ रहा है तो उसके हम अगर सारे प्लस कर दीजिए कर दीजिएगा और यहाँ पे टेन रिस्टू माइनस नाइन ऊपर जाके प्लस नाइन रहेगा ठीक है तो टेनरेज टू सॉरी यहाँ टेन टेंस टू अगर मॉडुलस ऑफ वाटर सॉरी यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर माइनस नाइन नहीं है यहाँ पे प्लस वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी थी वहाँ पे वैल्यू टू पॉइंट टू इंटू टू नाइन है माइनस नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं आप ये नाइन और यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है अगर एक पॉइंट एक हटाना है तो एक आठ हटा सकते हैं आप थ्री इंटू टेन रेस टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अपॉन ट्वेंटी टू इंटू टेन रेस टू एट तो ये कितना हो जाएगा देखिए सॉरी यहाँ पे अभी हमारा इंटू हंड्रेड रह गया ये ये एच रो जी हो गया और ये हंड्रेड सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये नाइन कैंसिल हो जाएंगे थ्री अपॉन टू पॉइंट टू दैट इज थर्टी अपॉन ट्वेंटी टू और वी कैन राइट फिफ्टीन अपॉन एलेवन और ये क्या आ जाएगा देखिए वन पॉइंट थ्री सिक्स समथिंग आ जाएगा वन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ठीक है नोट कर दीजिए देखिए प्रॉब्लम हमने प्रेशर के हिसाब से कैसे सॉल्व किया है